पश्चिमी राजस्थान के बड़े शहरों में से एक बीकानेर में इन दिनों गर्मी का कोहराम गहरता नजर आ रहा है। यहां पारा 1 मई से अभी तक 45 से 48 डिग्री के बीच घूम रहा है। लू का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहले से ही तेज गर्मी का आलम है। बीकानेर में गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि यहां बीकानेर के पब्लिक पार्क के बीचों बीच डियर रेस्क्यू सेंटर में घायल हिरणों के लिए कूलर लगाए गए हैं ताकि उन्हें गर्मी से निजात मिल पाए। घायल हिरणों के लिए वन विभाग के कर्मचारी भी तैनात हैं। नगरी बीकानेर में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है और 1 मई से अगर हम बात करें तो 47 डिग्री के पार ही लगभग टेम्परेचर दिख रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के डियर रेस्क्यू सेंटर में, जहां पर इतनी तेज गर्मी है। तेज गर्मी के चलते यहां पर भी आपको बता दें कि यहां पर भी कूलर लगाया गया है इनके लिए, वन्य जीवों के लिए। कारण इसका सीधे साधा है कि गर्मी बहुत तेज है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो रेस्क्यू सेंटर में किस तरह से कूलर में ये इनको रखा गया है। देखिए आप कि देखिए देखिए जंतु भी एक साफ दिख रहा है। ये हिरन है, इनको देखिए, ये खुद यहाँ पर इतनी तेज गर्मी में ये कहा जा सकता है कि अपना बचाव कर रहा है, गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा है। देख सकते हैं आप कि कूलर की कुछ ठंडी हवा, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ठंडी हवा दिख रही है। और ये हिरन है, हिरन का बच्चा है, देख सकते हैं पूरा परिवार एक तरह से यहाँ पर है और कूलर यहाँ लगा हुआ है। कुछ ना कुछ ठंडी हवा की उम्मीद इनको भी है। यहाँ पे ये कर्मचारी भी हैं वन विभाग के, बात करते हैं। क्या नाम है? बंटी कुमार जी। कैसे यहाँ किस तरह की गर्मी ज्यादा पड़ रही है? गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हाँ, इसलिए कूलर लगाया गया इनके लिए। कूलर लगाया गया, इनको क्या करते हैं आप इनके लिए? यही धर्मा सेवा कर रहे हैं इनके लिए, जितनी हो सके सेवा कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर लगभग। हाँ हाँ सर, देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत तेज है। आपको बता दें कि यहाँ की स्थिति जो कुछ इस तरह की दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर ये हिरन भी है, बिल्कुल यहाँ एक तरह से इस शीतल हवा जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है, खास बात कहना चाहेंगे आपको। और निश्चित रूप से यहाँ वन विभाग की इस व्यवस्था की भी कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी कि तेज गर्मी में ये भी मजबूर हैं। विभाग के लोग भी बिल्कुल यहाँ पर एक शानदार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। KK सिंह A1 TV बीकानेर।